ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर सिक्स ऑप्टिक्स इसका फर्स्ट पार्ट एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पहला पॉइंट ही हम यहां पर डिस्कस करेंगे दैट इज इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक है किसी भी लाइट का आपने ऑब्जर्व किया होगा हम बहुत सारी चीजों को देख पाते इसके कारण देख पा रहे हैं क्योंकि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में पहुंच रही है डायरेक्ट लाइट आती है तो यहां का मतलब किसी भी सतह से किसी भी सरफेस से लाइट जब टकरा के स्ट्राइक करके उससे हम तक आती है तो वो क्या कहलाता है रिफ्लेक्शन द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेल पॉलिश सर्फेस मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया विदाउट चेंज इन मीडियम समझते यहाँ पे आपको एक ये चित्र दिखाई दे रहा होगा इसमें क्या है ये एक पेड़ है कुछ पक्षी उड़ रहे हैं और ये कुछ जमीन है परंतु ऐसा ही पेड़ नीचे भी दिखाई दे रहा है इसके कारण यहाँ पे पानी है इसका मतलब जो पेड़ है वहां से जो रे ऑफ लाइट थी वो इसके ऊपर गई वेल पॉलिश सरफेस हम इसको कह सकते हैं ट्रांसमिट well मतलब कर, तो well तो कर, उस कर दिया आगे की तरफ भेज दिया अब यहाँ पे ये वर्ड मैंने यूज किया था आफ्टर स्ट्राइकिंग रिफ्लेक्टिंग सर्फेस तो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस यहाँ पे कौन हुआ वाटर वेल पॉलिश वेल पॉलिश मैंने अभी बताया आपको कि जिसके अंदर रफनेस ना हो विदाउट चेंज इन मीडियम यहां पे एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं विदाउट चेंज इन मीडियम का मतलब यहां से रे ऑफ लाइट आई थी पानी के ऊपर गिरी थी और फिर वो कहां पे जा रही है पानी के ऊपर गिरने बाद फिर से उसी मीडियम के अंदर वापस आ गई तो यहां पे मीडियम में चेंज नहीं आया रे ऑफ लाइट अगर इसके अंदर गई है अगर कोई पानी के अंदर बैठा हुआ है या वहां पर हम कैमरा सेट करें तो इसका मतलब वहां से भी दिखाई दे जाएगा पेड़ अगर पानी साफ है तो इसका मतलब वहां पे जो लाइट गई वो की बात नहीं कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं जो रे ऑफ लाइट इस सरफेस से टकराई और फिर वापस उसी मीडियम के अंदर आ गई उसको हम यहाँ पे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लोअर में भी आपने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट छठी क्लास से मेरे ख्याल से पढ़ते हुए आ रहे हो प्रकाश का प्रावर्तन यानी कि चमकीली सस्ता से टकरा के जब रे ऑफ लाइट वापिस आती है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए जो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा उसको समझने के लिए हम कुछ लाज बनाते हैं यहाँ पे क्या ला बनाएंगे जो पहले पढ़ चुके हो आप कौन कौन से द फर्स्ट लाइज इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल इन सेम प्ले क्या मतलब हुआ दिस इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेल पोलिश यानी कि यहां से तो है नीचे की तरफ से हम यहाँ पे मान सकते हैं एक टाइप का मिरर हमने बनाया है तो यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट आएगी पहला पॉइंट क्या कहा हमने इंसिडेंट रे जो रे आती है इस सरफेस की तरफ उस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रे इससे रिफ्लेक्ट होके जो जाएगी वो टकराई और वापस चली गई एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिस पॉइंट के ऊपर ये उस सरफेस से टकराएगी उसको कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो इसके ऊपर अगर हम एक नॉर्मल ड्रा करें Somewhat like this. तो ये जो होंगे वो सारे के सारे के होंगे एक ही प्लेन में होंगे. Like दूसरा क्या कहते है? Angle of incidence. अब angle of incidence क्या है? अब जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसको हम यहाँ पे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम आई से एंड दूसरा कहा यहां पे angle of reflection, reflection, रिफ्लेक्शन का मतलब यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कहता है आई दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब भी आपको डायग्राम बनाना हो तो हमेशा इन दो लॉ का ध्यान रखो जब भी आपका कभी भी डायग्राम गलत नहीं होगा नाउ लेट्स मूव फर्दर यहां पे एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं मिरर सुना होगा दर्पण जिसको कहते हैं वो क्या है जिसके अंदर हमें अपना चेहरा चीजें बिल्कुल साफ दिखाई देती है कैसे बनाया जाता है ये एक वेल well टाइप है और उसके ऊपर फिर यहाँ पे इस तरीके से एक लेयर बनाई जाती है ये क्या करता है देखिए इस टाइप से यहाँ पे जो भी ग्लास जो हमने बनाया कोई भी सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है फॉर एग्जांपल आमतौर से मिरर बनाया जाता है गोल्ड या सिल्वर की पॉलिश करके और वो सिल्वर को उसको हम बना उसके ऊपर लगा देते हैं ग्लास कांच क्यों क्योंकि वो खराब ना हो और ग्लास के ग्लास के नीचे आपने देखा होगा कि एक ग्रीन या रेड कलर की लेयर बनी हुई होती है उसके अंदर वो क्यों क्योंकि वो वहां पे जो ऑक्सीडेशन होता है मेटल्स का उससे बचाता है सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो सकता है गोल्ड का ऑक्सीडेशन हो सकता है तो एयर साथ मिक्सअप ना हो उससे बचाने के लिए नहीं हो सकती देखो वेन आई इज इक्वल टू आर मिरर केस में यहां पे या किसी भी केस में देखे तो I इज इक्वल टू जीरो एंड R इज इक्वल टू जीरो होना ही चाहिए फिर तो क्योंकि दोनों बराबर हो गए कहने का मतलब क्या हुआ I

पाथ वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी तो ये चीज होता है यहाँ पे दूसरा है वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेन मिरर यहां पे दो प्लेन मिरर है एक मिरर ये है और दूसरा मिरर इस टाइप से यहां पे ये रखा हुआ है ये दो प्लेन मिरर है और उन दोनों प्लेन मिरर को हमने कुछ एंगल पे रख दिया यानी कि एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बना के रखे हैं और इनके बीच में एक रख दिया हमने कोई भी ऑब्जेक्ट ठीक है अब बात यह है कि यहां पे इन दोनों के बीच में उसकी इमेज कितनी बनेगी हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म बिटवीन टू मीटर तो एक सिंपल सा तरीका है एन इसका क्या मतलब नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म दैट इज थ्री सिक्सटी बाई थीटा माइनस वन इज ओके तो ये नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी अब बात यहाँ पे ये आती है कि इससे कैसे पता चले एक शायद सॉन्ग आप लोगों ने सुना होगा ध्यान में होगा गाना था ना फिल्म का आईने के सो टुकड़े करके हमने देखे हैं एक में भी तना थे सो में भी अकेले हैं तना का मतलब अकेला होना उसने शायद फिजिक्स नहीं पढ़ी गाने वाला था फिजिक्स पढ़ता तो शायद ये बात ना बोलता क्या मतलब हुआ अगर हम देखना यहाँ पे शीशे जो भी मिरर था उसके टुकड़े कर देते वो टूटेगा टूटेगा तो इसका मतलब एंगल कितना बनेगा उनके बीच में 180 डिग्री का क्योंकि इस इसको मैं मान लिया मैं इसको तोड़ दूं तो यहां पे इनके बीच में एंगल कितना रहेगा 180 डिग्री पुट करते हैं एक बार थीटा की वैल्यू 180 पुट करते हैं देखते हैं कितने बनेंगे n इज इक्वल टू 360 बाय 180 minus 1 दैट इज 2 1 दैट इज 1 कितनी इमेज बनेंगी वन फिजिक्स पढ़ता तो शायद ये बात उसको पहले ही पता चल जाती है कि चाहे उसके कितने भी टुकड़े कर ले कितनी रहेगी इमेज तो एक ही रहेगी अगर इमेज ज्यादा बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा 180 डिग्री से कम का एंगल यहां पे लेना पड़ेगा